नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस वालों ने कार्रवाई की तो समर्थकों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर पुलिस के खिलाफ निकाला जुलूस। कोरोना महामारी के प्रकोप से इंदौर रेड जोन हॉटस्पॉट बना हुआ है, पर इंदौर के कुछ लोग मानने को तैयार कहां है। ये तस्वीरें हैं इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र की। ये क्षेत्र जहां लोग पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, ये कंटेनमेंट एरिया है। इसके बावजूद लोग जान से खिलवाड़ कर सड़कों पर इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे हैं। दरअसल इंदौर रावजी बाजार पुलिस ने विगत दिनों कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने के मामले में यूसुफ कबाड़ी को लॉकडाउन तोड़ने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कल गिरफ्तार किया तो लोग सड़कों पर आ गए। ये थाना रावजी क्षेत्र में पिछले शुक्रवार को यूसुफ नामक व्यक्ति जो प्रकाश के बगीचे का रहने वाला है, इसके द्वारा कब्रिस्तान पर तकरीबन 50 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इस संबंध में इसके विरुद्ध कर्फ्यू का उल्लंघन करने के संबंध में FIR पंजीबद्ध की गई थी। आज इसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, तो जब इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तो कुछ जो है ना वो इसके समर्थक थाने पर इसके संबंध में आ गए थे, जिन्हें वापस जो है ना समझाइश देकर भेजा गया और इस संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये सब किस तरह की यहाँ पर रहेगी सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा के तौर पर तो लगातार जो है वो पॉइंट लगे हुए हैं, और चूंकि प्रकाश का बगीचा एक कंटेनमेंट एरिया है तो वहाँ पहले से ही बल लगा हुआ है। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।